क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। ओके, तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला वाले टॉपिक से है। यहाँ पे हमें पता है कि फोकस से जब डिस्टेंसेज लेते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की, अगर फोकस से डिस्टेंस ली गई है तो उनमें रिलेशन होता है एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई। एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई, एक्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से, वाई इमेज की डिस्टेंस फोकस से। और अगर हम पोल से लेते हैं, मिरर से लेते हैं, तो सिंपल रिलेशन होता है 1/f = 1/v + 1/u, मिरर फॉर्मूला। ये तब लगता है जब हम पोल से डिस्टेंस लेते हैं, यानी मिरर से डिस्टेंस लेते हैं। ये तब लगता है जब हम ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस फोकस से लेते हैं, और इसी से ये फॉर्मूला आता है। तो ये न्यूटन फॉर्मूला ड्राइव किया होगा तो वहां पर देखा होगा, ये यहीं से आ जाता है। यहां पर यू की वैल्यू अगर हम लिखे तो ये हो जाएगी -f + a पोल से, ये पोल से डिस्टेंस हो जाएगी अगर a f से डिस्टेंस है। तो ऐसी सेम v की वैल्यू f + b हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये ऐसे, ये फोकस है, यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फोकस से a डिस्टेंस पर है, ये फोकस दूरी है f, तो जो इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी f + a। ऐसे ही इमेज अगर यहां पर बन रही है और इमेज की डिस्टेंस फोकस से b है, तो इमेज की मिरर से डिस्टेंस हो जाएगी f + b। तो ये f + a f + b, ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखना होता है हमें। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है।